मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने मेंडल के नियम पढ़े थे और वंशागति और विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलवाद से विचलन या अपूर्ण प्रभाविता का अध्ययन। एक बात बताइए, मेंडलवाद के हिसाब से प्रभाविता के नियम में हमने पढ़ा कि एक लक्षण जो होता है वो प्रभावी होता है और दूसरा लक्षण कैसा होता है, अप्रभावी होता है। तो इसके हिसाब से अगर मनुष्यों में कहना चाहिए तो मनुष्य में त्वचा का रंग दो ही प्रकार का होना चाहिए, या तो एक बिल्कुल काला या फिर बिल्कुल गोरा या वाइटिश। तो इस प्रकार इसके बीच में भी हमको त्वचा के भिन्न भिन्न शेड दिखाई देते हैं, तो इस बात से प्रभाविता के नियम की पुष्टि तो नहीं होती है। इसके और अधिक एग्जाम्पल है जिसको हम आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आता है मेंडलवाद से विचलन। तो इसमें हम प्रथम नियम जो मेंडल का है, प्रभाविता का नियम, कि जब दो भिन्न लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया जाता है तो जो लक्षण प्रभावी होता है अगली जनरेशन में उसी का पुनरुत्पत्ति होती है, ये हमने पढ़ा। अब मेंडलवाद के जो नियम थे उस नियम के हिसाब से 1900 में जो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे डीब्रीज, जर्मनी के कार्ल कारेंस और ऑस्ट्रिया के शर्मा, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडलवाद के जो प्रयोग थे उनको और आगे बढ़ाया और उन्होंने दिया जीन की अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत, कि जीन जो है वो आपस में क्रिया करते हैं और उसमें से जो लक्षण प्रभावी होता है वो आगे जाकर के प्रकट होता है। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आज अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहले हम परिभाषा देखें। अगर दो समयुग्मजी पौधों अथवा जंतुओं में एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए, पहली शर्त क्या हो गई, दो समयुग्मजी पौधों अथवा जंतुओं में एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए और उनकी F1 पीढ़ी की संतानों में दोनों लक्षणों का मध्यवर्ती लक्षण दिखाई दे, तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं तथा इस लक्षण को अपूर्ण प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब इसको समझिए कि क्या दो समयुग्मजी यानी होमोजाइगस, यानी दोनों जीन के जो एलील हैं वो एक से हैं, चाहे वो पौधों के हों चाहे वो जंतुओं के। अब हम इनके एक जोड़ा विपरीत लक्षण ले लेते हैं और उनमें उनका क्रॉस कराया जाता है, तो जो F1 जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी जो पैदा होती है उसमें मेंडल के नियम के हिसाब से तो जो लक्षण प्रभावी होगा बस वही दिखाई देगा। लेकिन अब यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज है और स्टेटमेंट चेंज क्या बोल रहा है, दोनों लक्षणों का मध्यवर्ती, ना तो ए के जैसे ना तो बी के जैसे, इंटरमीडिएट बीच का लक्षण दिखाई दे तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं और ये जो लक्षण है इस लक्षण को अपूर्ण प्रभावी लक्षण कहते हैं। कैसे अब इसको समझेंगे, तो इसकी पहली शर्त हो जाएगी, इसमें हमने लिया कि एक प्रभावी लक्षण, सबसे पहला शब्द जो हमको समझ में आया कि जो प्रभावी लक्षण जो है मेंडल के नियम के हिसाब से वो इस सिद्धांत में पूर्णतः व्यक्त नहीं होता, अपने आप को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है, जो लक्षण प्रभावी रहता है। और कैसी जनरेशन बनाता है, मध्यवर्ती पीढ़ी बनाता है, यानी इंटरमीडिएट टाइप ऑफ जनरेशन बना लेता है, जो कि कैसा होता है, पेरेंट्स से अलग, अपने माता पिता के लक्षणों से बिल्कुल विपरीत उसके लक्षण रहते हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम ये तो दो जीन आपस में मिक्स हो गए, ब्लेंड हो गए, तो बिल्कुल नहीं, ये उन एलील्स या जीन्स की मिक्सिंग नहीं है, ब्लेंडिंग नहीं है, क्योंकि जब हम F2 पीढ़ी यानी दोबारा क्रॉस कराते हैं तो ये फिर से अपने पेरेंट टाइप से भी इनके लक्षण हमको प्राप्त होते हैं। है इसका उदाहरण मिराबिलिस जलापा, जिसको कहते हैं 4 o'clock प्लांट या गोले बांस प्लांट कहा जाता है। इसके उदाहरण आप जरूर याद रखिए क्योंकि 1 mark के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अपूर्ण प्रभाविता के नियम का उदाहरण बताइए, तो आप इसमें आंसर दे सकते हैं मिराबिलिस जलापा। अब हम यहाँ इसको आगे किस प्रकार से समझेंगे, मिराबिलिस जलापा के दो पौधे जिसमें एक में लाल पुष्प आते थे पूरे लाल पुष्प और दूसरे में आते थे सफेद पुष्प, तो लाल पुष्प को हमने किससे डिनोट किया, कैपिटल R कैपिटल R से,
और जो सफेद पुष्प है उसको हमने डिनोट किया स्मॉल आर और स्मॉल आर से। अब जब इनके गैमीट बनेंगे तो कैसे होंगे, आधे रहेंगे, हैप्लॉइड कंडीशन में रहेंगे, तो एक आर हमने लाल पुष्प का एक गैमीट और एक सफेद पुष्प का स्मॉल आर ले लिया। जब हमने इनमें क्रॉस कराया, यानी क्रॉस कराया, तो क्या हमको प्राप्त हुई F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी क्या प्राप्त हुई, इसका कैपिटल आर और इसका स्मॉल आर। अब यहाँ बिल्कुल ध्यान देना है आपको कि कैपिटल आर स्मॉल आर आया तो यहाँ पर मेंडल के प्रथम नियम के हिसाब से जो प्रभावी लक्षण यहाँ क्या हो रहा, कैपिटल आर, इसके हिसाब से ये पुष्पकरण कैसा होना था, पुष्पकरण लाल होना चाहिए था। ठीक है, बात समझ में आ रही। हमने जो डोमिनेंट कैरेक्टर था लाल रंग, उसके हिसाब से इसके पुष्पकरण होना चाहिए था लाल, लेकिन यहाँ पर प्रभाविता कैसी हो गई, अपूर्ण हो गई, इनकम्प्लीट हुई, तो पुष्पकरण ना तो लाल हुआ और ना सफेद बना, तो क्या बन गया, मध्यवर्ती रंग यानी इंटरमीडिएट कलर बना, जो बन गया पिंक कलर, यानी गुलाबी रंग के फूल हमको इसमें प्राप्त हुए। ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है क्योंकि यही बेस है, और अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ लोगे तो आपको बाकी के नियम भी बहुत अच्छे से इसके विचलन वाले समझ में आएंगे। तो ये बना गए गुलाबी पुष्प, जबकि बनना चाहिए थे लाल पुष्प। अब ये जो गुलाबी पुष्प बन गया, इसने शो किया कि मेंडल का जो नियम है कि प्रभावी गुण पूर्णता व्यक्त होता है, वो इसमें व्यक्त नहीं हुआ और दूसरे रंग का व्यक्त कलर हो गया, अर्थात इसमें इंटरमीडिएट जनरेशन पैदा हुई। अब यहाँ पर आकर के आप कह सकते हो कि मैडम अब तो ये मिक्सिंग हो गई, ब्लेंडिंग हो गई, जीन्स आपस में मिल गए, आपस में एक दूसरे को इन्होंने अन्योन्य क्रिया से प्रभावित कर लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको अगेन सेल्फिंग कराई, यानी इसमें स्व परागण की क्रिया कराई, अब इसी पुष्प के गैमिट यानी गुलाबी पुष्प वाले पौधे के गैमिट आपस में स्व परागण किए और उसके बाद इनमें क्रॉस हुआ और उनका जो पुनेट स्क्वायर प्राप्त हुआ हमको, तो हमने इसका ऐसा चेकर बोर्ड बना लिया, इसके गैमिट लिख दिए कैपिटल आर, यहाँ आ गया स्मॉल आर, अगेन दूसरा पुष्प भी चाहिए हमको क्रॉसिंग के लिए, तो उसका आ गया कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब जब हम इसके संयोजन करते हैं, इसको मिलाते हैं, तो कैपिटल आर बन गए आर आर, अर्थात इसमें पुष्पकरण कैसा बनेगा, लाल रंग का। अगेन देखें हम, फिर हमने यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर लिया और इसको मिक्सिंग किया, तो अगेन ये कैसा बना, अपने गुलाबी पुष्पों की तरह, तो यहाँ पर गुलाबी पुष्प वाले पौधे बने। सेकेंड रो में हम अगर देखें तो फिर से आ गया कैपिटल आर और स्मॉल आर, अर्थात पुष्प का रंग कैसा बना, गुलाबी रंग का बना, और अगेन अगर हम देखें तो स्मॉल आर और स्मॉल आर मिलकर के बन गए व्हाइट कलर के पुष्प। तो जब हम F2 जनरेशन को देख रहे हैं, ये है F2 जनरेशन, F2 पीढ़ी में हम देखें कि जहां पर F1 जनरेशन में हमको गुलाबी पुष्प मिले, वहां पर F2 जनरेशन में आकर के इनके लक्षण अलग अलग प्रकट हो रहे हैं। अब हम इसका फीनोटाइप दिखाएंगे, फीनोटाइप मतलब भौतिक रूप से उनकी पुनरावृत्ति किस प्रकार से है, वे देखने में किस प्रकार से। तो फीनोटाइप में देखें तो आर आर यानी लाल पुष्प कितने हैं, एक, गुलाबी पुष्प कितने हैं, एक और दो, 1:2, और अगेन अगर हम देखें तो सफेद रंग के पुष्प कितने हैं, एक, तो हमारा फीनोटिपिक रेशो हो जाएगा 1:2:1। इसी प्रकार से अगर हम इसके जीनोटिपिक रेशो में देखें तो यहाँ पर जो गैमीट है वो कैपिटल आर एक, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गए दो, और स्मॉल आर हो गए एक। इसका फीनोटिपिक रेशो क्या जाएगा, 1:2:1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मेंडल का जो प्रभाविता का नियम था वो हर उसमें यूनिवर्सली लागू नहीं हो सकता, उसमें कुछ ऐसे भी हैं उदाहरण जो कि अपूर्ण प्रभाविता को व्यक्त करते हैं। तो बच्चों ये था अपूर्ण प्रभाविता के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम सह प्रभाविता का अध्ययन करेंगे।